हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग है सभी को। और कुठारी इंस्टीट्यूट इंदौर की इस लाइव फेस टू फेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं कुछ जानकारी आपको इस क्लासेस के बारे में दे दूं, जिससे कि एक नया सिस्टम है और स्टूडेंट और यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर्स भी इस सिस्टम से अभी फैमिलियर नहीं है। तो पहली लाइन तो मैं ये बोलूँ कि कोठारी इंस्टीट्यूट और कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पहला ऐसा संस्थान है जो आपको लाइव फेस टू फेस क्लासेस दे रहा है। इसका मतलब है कि आप जैसे अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है। मतलब यदि आपकी ऑफलाइन क्लास 9 से 11 लगती थी, तो यदि ये 9 से 11 लग रही है, मतलब आप यदि 9:15 पर आओगे तो आपका 15 मिनट का लेक्चर छूट जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है जिसमें आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये लाइव क्लास है, बिल्कुल एज इट इज वही क्लास है जो आप अपने कोचिंग में पढ़ते हैं, जो आप अपनी क्लास कोचिंग में जैसे उसको अटेंड करते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरा, यदि ग्रुप में था आप लोगों के और दूसरा था कि कुछ बच्चों को डेटा डाउनलोड करने और उसको ऑपरेट करने में, लॉगिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एक आध दिन में अपने आप एडेप्टेबल हो जाओगे इन चीजों के, और यही चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेगी। अब थोड़ी सी मैं क्लासेस की जानकारी दे दूं। पहली बात, क्लासेस के मामले में 4 लेक्चर आपको डेली हम देंगे। चूंकि ये इंटरनेट पर पूरी बेस्ड क्लास है और आप सभी अपना डेटा मोबाइल पर यूज करते हैं, इसलिए इन क्लासेस को लगातार 4 न करते हुए हमने 2 सेशन में डिवाइड किया है। पहला सेशन 9 से 11 है और दूसरा सेशन शाम को 8 से 10 है। पर ये बात याद रखना है सभी लोग, किसका मतलब ये नहीं है कि 9 से 11 में क्लास छूट गई तो आप शाम को 8 से 10 वाली लेने ले तो सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जो छूट गई तो छूट गई। क्यों? क्योंकि शाम को 8 से 10 में अलग सब्जेक्ट है और सुबह 9 से 11 में अलग सब्जेक्ट है। जैसे आपकी क्लास कोचिंग में 4 लेक्चर 4 विषय आपको प्रतिदिन पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही हम आपको 4 विषय प्रतिदिन पढ़ाएंगे। क्योंकि आज पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो जाहिर बात है कि इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको समझानी पड़ रही है। जब आप कल से क्लास शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो पुराना टॉपिक है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। इसके आगे एक स्टेप और है, हम आप सभी का एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उसका स्टडी मटेरियल क्लास के 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल के बाद हम ये मान के चलेंगे कि आपको हमने 12 बजे दोपहर में स्टडी मटेरियल दिया है, सिर्फ 2 लेक्चर का मामला है, तो आपने उस स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ लिया है शाम तक। शाम की क्लास में 8 से 10 के बाद हम आपको पूरे दिन भर में जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब आपका उसी दिन टॉपिक हुआ, उसी दिन क्वेश्चन हुए, उसी दिन डाउट क्लियर हुआ। अगले दिन भी यदि कोई डाउट है तो कभी भूलना मत कि ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव टू लाइव क्लासेस है। आप अपना माइक ऑन करके कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है, लेकिन हम और क्लासेस भी लाइव टू लाइव में ले रहे हैं, उनमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। इसलिए पेशेंस रखें, सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास
आज का जो टॉपिक है मैं बता दूं, मेरा टॉपिक है कि एमपीपीएससी को प्रथम प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए क्या मास्टर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि एमपीपीएससी हमारी पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। बिल्कुल सिंपल अर्थों में आपको ये बताऊंगा। पहली बात, आप में से सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी तीन स्टेप में होती है। पहला स्टेप प्रीलिम का है जिसमें दो पेपर है, पहला पेपर जीएस का है और दूसरा पेपर सीसेट का है। सीसेट में आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना बस जरूरी है, जीएस के पेपर के आधार पर मेरिट बनती है। जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे, तब प्री कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, जितनी टोटल वैकेंसी होगी उसका 15 टेड, यदि 100 वैकेंसी है तो 1500 लोग क्वालिफाई करेंगे, 1000 वैकेंसी है तो 15000 लोग क्वालिफाई करेंगे, उन लोगों का मेंस होगा जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका मेंस होगा। मेंस में टोटल एमपीपीएससी में 6 पेपर हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेपर तो कहने के लिए 6 हैं पर इनमें विषय बहुत सारे हैं। जैसे पहला पेपर है तो उसके विषय है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दूसरा पेपर है उसमें विषय है पॉलिटिक्स पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तीसरे पेपर में पूरा साइंस है, चौथे पेपर में एथिक्स है, पांचवें पेपर में जनरल हिंदी है और छठवें पेपर में ऐसे राइटिंग है। यह ऐसे राइटिंग के कंसर्न में आपको हमेशा याद रखना है कि मध्य प्रदेश पीएससी में ऐसे राइटिंग केवल हिंदी माध्यम में करना है, आप अंग्रेजी में ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए हम उस पेपर को बोल सकते हैं हिंदी निबंध का पेपर, हिंदी में निबंध आपको लिखना है। ठीक, ये तो पेपर की बात हो गई। अब मैं बता दूं कि प्री परीक्षा में कैसे आपको पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, फिर मेंस में कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये याद रखना कि 2020 की परीक्षा से सिलेबस चेंज हो चुका है, एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया है। सिलेबस को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, पर एक्चुअल में उसमें काफी चेंज है, खासतौर पर मेंस के पहले सिलेबस में काफी चेंज है। अभी हम प्री पे ही फोकस होते हैं, प्री में भी चेंज है। 2019 तक जो परीक्षा होती थी उस परीक्षा में जनरल नॉलेज के पेपर में तीन पेपर एक्स्ट्रा, तीन टॉपिक एक्स्ट्रा थे, तीन एक्ट थे, ह्यूमन राइट एक्ट, एससी एसटी एक्ट एंड सिविल राइट एक्ट। ये तीनों एक्ट नए सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब प्री के सिलेबस में 10 यूनिट है, यहां आप ध्यान से सुनना। प्री के सिलेबस में आयोग ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन मेंस के सिलेबस में उन्होंने इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न दिया है कि मेंस में भी 10 यूनिट है, हर पेपर में हर यूनिट से तीन क्वेश्चन, मेन में 5 यूनिट है हर पेपर में, क्योंकि इस पेपर में दो सब्जेक्ट है तो 10 हो जाती है वो, एक जो पार्ट है उसमें 5 यूनिट है, जैसे मान लो हिस्ट्री है तो उसमें 5 यूनिट है, तो पहली यूनिट से तीन क्वेश्चन आएंगे 10 वर्ड में लिखने के लिए, दो क्वेश्चन आएंगे 50 वर्ड में लिखने के लिए और एक क्वेश्चन आएगा 200 वर्ड में लिखने के लिए। मतलब कहने का यह है कि पांच की पांचों यूनिट से 15 क्वेश्चन 10 वर्ड, 10 क्वेश्चन 50 वर्ड
और 5 क्वेश्चन 200 वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक भी यूनिट को छोड़ के नहीं जा सकते। यदि आपकी एक यूनिट कमजोर है या आपने छोड़ दी इसको तैयारी से लिए, तो उसका नतीजा क्या होगा, 3 क्वेश्चन आपके 10 वर्ड के छूटेंगे, 2 क्वेश्चन आपके 50 वर्ड के छूटेंगे, 300 वर्ड का छूटेगा, आपका पेपर छूट जाएगा। इसमें मतलब एमपीपीएससी चाहती है कि आप पूरे सिलेबस को बहुत व्यवस्थित तरीके से स्टडी करें। आप ऐसा ना हो कि प्लान करके किसी यूनिट को बहुत ज्यादा पढ़ लें और किसी यूनिट को बहुत कम पढ़ लें। पीएससी ने पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यदि हम इनके इस कॉन्सेप्ट को पकड़े और समझे, तो हम देखेंगे प्री परीक्षा में भी 10 यूनिट है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में 100, तो प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गए, 10 10 क्वेश्चन। अब इसमें एक चिंता का विषय हमेशा ये रहता है कि स्टूडेंट जब जनरल स्टडी पढ़ता है तो जनरल स्टडी का मतलब होता है एवरीथिंग अंडर द सन एंड इन द सन, सूर्य के नीचे और सूर्य के अंदर जितनी चीजें हैं सब कुछ सामान्य ज्ञान है। लेकिन क्या वास्तव में इतना सब पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। तो आपको उसको प्लान करना पड़ेगा। तो कैसे प्लान करना पड़ेगा, एक एक करके मैं बताता हूं आपको। कि 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन आने हैं, मतलब सीधा है कि आपको हर क्वेश्चन हर यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें आपको प्लान करना है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ जो जाता है वो 68 69 70 के आसपास जाता है। मेरा हमेशा कहना है, तथा इंस्टीट्यूट का हमेशा कहना है कि प्री में आपको 85 क्वेश्चन सही करने हैं 100 में से। तो जब आपको प्री के पेपर पे भरोसा होगा कि मेरा 100% सिलेक्शन हो रहा है प्री में, तभी आप मेंस की तैयारी अगले दिन से शुरू कर पाएंगे। और जब आप मेंस की तैयारी के लिए सफिशियंट टाइम लेंगे, तभी आपका मेंस क्लियर होगा। हालांकि हमारी मास्टर स्ट्रेटजी ये है कि हम प्री के साथ ही मेंस की आपको तैयारी कराएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले की तैयारी तो अलग ही होती है, वो तो करनी पड़ेगी। तो प्री में 85% मार्क्स कैसे लाए? तो आप सिलेबस में यदि देखेंगे और पुराने पेपर उठा के देखें, 10 साल 15 साल 20 साल जितने साल के पेपर आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड बता दूं आपको, एक जो कॉमन बात होती है वो बता दूं, स्टूडेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये 4 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में भी 4 लेक्चर शुरू होते हैं तो सीधे सीधे इन 4 सब्जेक्ट के ही शुरू होते हैं। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिनको लोग पीएचडी तक करते हैं, इतने बड़े सब्जेक्ट का फिर भी वो पूरे नहीं होते। तो ऐसे में क्या आप इन सब्जेक्ट को पूरा पढ़कर जा सकते हो एग्जाम में? और भी जा भी सकते हो तो मेरा कहना है 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन है, हर यूनिट से 40 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 यूनिट से 40 क्वेश्चन आएंगे और अपने को चाहिए मिनिमम 75 मार्क्स। तब मध्य प्रदेश पीएससी में क्या होता है जो मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप क्या पढ़ा कर रहे हैं, तो उसका जवाब होता है पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री।
किसी स्टूडेंट से आप भी पूछ लेना आपकी कोचिंग में क्या चल रहा है, तो वही 3-4 सब्जेक्ट में से एक दो सब्जेक्ट के नाम या 3 सब्जेक्ट के नाम बताएगा। अब चूंकि हम साल भर इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और ये सब्जेक्ट अपने आप में काफी बड़े हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है इनका, तो वैसे में आप पूरी साल भर की पढ़ाई को परीक्षा से पहले रिवाइज करने के लिए इनको बहुत समय देते हैं। और दिक्कत ये होती है कि ये परीक्षा के पहले तक रिवाइज भी नहीं हो पाते। तो ऐसे में आप एक्चुअल में परीक्षा में केवल 40 नंबर की तैयारी करके जाते हैं और बकाया जो सब्जेक्ट है वो बहुत सरल है, तो आप उनको कॉमन सेंस के आधार पर लगाते हैं तो आप 55-60 के आसपास आके रुक जाते हैं। ये सामान्य कहानी है। तो फिर कैसे तैयारी करें? ये जो 10 मिनट है ना, इन 10 मिनट को आप 10 सब्जेक्ट होंगे दो कैटेगरी में कैटेगराइज करें। पहली कैटेगरी मेजर जो बड़े सब्जेक्ट है, दूसरी कैटेगरी माइनर जो छोटे सब्जेक्ट है। ध्यान रखना क्वेश्चन दोनों से बराबर आने हैं। मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स 4 रखे आपने। माइनर सब्जेक्ट जिनका सिलेबस छोटा है उनमें सबसे पहले मध्य प्रदेश 30 क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन आते हैं, तीसरा साइंस 10 क्वेश्चन आते हैं, और चौथा करंट अफेयर जो रेगुलर चलता रहता है। आप साल भर यदि धीरे धीरे न्यूज पेपर को पढ़ते हैं तो आराम से आपका सिलेबस हो जाता है, आप आराम से साल भर की घटनाओं से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जब आप मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपने मेजर सब्जेक्ट में जब तक क्वालिटी पढ़ी तब तक आपने यहां माइनर सब्जेक्ट में एलपी पढ़ लिया, आईटी पढ़ ली और साइंस पढ़ ली, तो पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आपके तैयार हुए और आपके माइनर में हो गए 30 क्वेश्चन तैयार, मतलब आपकी एक साथ 40 नंबर की तैयारी होगी। तो ऐसे बैलेंस किया जाता है। इसलिए हम आपको अभी भी जो क्लास दे रहे हैं शेड्यूल इस तरीके से किया गया है। हमारा पर्पज ये नहीं है कि किसी क्लास है तो इसमें कुछ भी ज्ञान बांट दो, ऐसा नहीं है। हम इसमें एक्चुअल में पढ़ाएंगे ही, तैयारी कराएंगे। इसमें जो 4 सब्जेक्ट थे उन 4 सब्जेक्ट को हमने मेजर और माइनर में ही बांटा है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ही यही है। तो 2 सब्जेक्ट आपके सुबह लगेंगे, वो मेजर सब्जेक्ट होंगे जिनका सिलेबस बहुत लंबा होता है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी। 2 सब्जेक्ट आपके शाम को चलेंगे जैसे कि मध्य प्रदेश और साइंस। एक साथ 4 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो आप खुद ये देखोगे कि सुबह के सिलेबस में हम जब तक पॉलिटी ज्योग्राफी कंप्लीट कर पाएंगे तब तक हम शाम के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, मतलब आपके एक साथ 6 सब्जेक्ट खत्म होंगे, 60 नंबर की तैयारी होंगे। ये स्ट्रेटजी है। और यदि आप किसी एक या दो बड़े सब्जेक्ट को पकड़ के रह जाते हैं, जैसा कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले 80% स्टूडेंट करते हैं, कि वो किसी 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं और उन सब्जेक्ट की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते जाते हैं। ये स्टडी बहुत अच्छी है यदि परीक्षा सामने नहीं है। याद रखना आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, उस विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना है। हाँ, यदि आपको उस विषय में रुचि आती है तो आप उस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, नेट कर लें, जीआरएफ कर लें, पीएचडी कर लें, अपने
उसी को आर्टिकुलेट करने के लिए। लेकिन यदि आप जब पीएचडी दे रहे हैं तो आपको उन सब्जेक्ट में से क्रंच जो होता है, जो आपके काम का है, जो आपको निकाल के उसको पढ़ना पड़ेगा। और यहीं पे पीएचडी में कोचिंग गाइड या मार्गदर्शक की भूमिका होती है कि कैसे आपको इतने सारे उसमें से क्रंच पार्ट जो परीक्षा में आपके काम का है वो आपको निकाल निकाल के हम देते जाएंगे। यहां पे कोचिंग क्लास की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम अपने अनुभव से आपको बड़े बड़े सब्जेक्ट में से पूरा पढ़ाने के बाद पूरा सब्जेक्ट पर पढ़ा देंगे, और लेकिन ये बताते जाएंगे ये चीजें आपको प्री के लिए बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अब मैंने अपना आज के टॉपिक के टाइटल में लिखा मास्टर स्टडी फॉर सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसको हम 100% सक्सेस स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये क्या है स्ट्रेटजी, 5 मिनट इसको भी समझे। फ्री परीक्षा होती है, जब भी एडवर्टीजमेंट आता है उसके अमूमन 2 से 3 महीने बाद प्री परीक्षा होती है। प्री परीक्षा में आप जैसे ही क्वालिफाई होते हो उसके अमूमन 2 महीने बाद मेंस की परीक्षा होती है। प्री परीक्षा क्वालिफाई करने के 2 महीने बाद मेंस की परीक्षा होती है। मतलब इसका ये हुआ कि आपको मेंस की तैयारी करने के लिए केवल 60 दिन ही मिलते हैं, केवल 60 डेज। अब इस 60 डेज में आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। प्री के साथ ही आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या है, जिसको आप कल से देखेंगे भी जब हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है, मान लो मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन। अब इस टॉपिक की विशेषता यह है कि ये प्री मेंस दोनों में पूछा जाता है। कई बार ज्योग्राफी के यदि प्री में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 में से 6, 7 या 8 क्वेश्चन फिजिकल डिवीजन से आ जाते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, जब एमपीपीएससी का सिलेबस नया आया 14-15, तो इस साल के पेपर में फिजिकल डिवीजन ही मेंस में पूरी पूछे। 80% का सिलेबस पहली यूनिट से ही आ गया। मतलब आपको अलग अलग क्यों पढ़ो, फिर इस टॉपिक को एक साथ पढ़ते चलते हैं। तो मैंने आपको बताया वैसे फिजिकल डिवीजन, तो इंडिया की लोकेशन बताई, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाया, टाइम समझाया कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आप इंडिया को बताया कि 5 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 ग्रेट माउंटेन रेंज, सेकंड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर इंडिया, फोर्थ 1 आइलैंड। तो ऐसे हमने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाइड किया। तो जब आप मान लो पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, तो हम हिमालय के बारे में आपको पूरा डायग्राम से समझाएंगे। कल ही मेरा टॉपिक है ये, कल ही आप देखेंगे इसको, या आपको स्क्रीन शेयर करके मैं पूरा हिमालय के बारे में दिखाऊंगा, जैसे बोर्ड पे दिखाते हैं। तो जब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे फैक्ट पढ़ेंगे,
समझेंगे हिमालय पर्वत कैसे बना, उसके पीछे क्या कारण थे, उसके पीछे का भूगोल क्या है, ये सब समझेंगे और उसमें से हम पीढ़ी के क्वेश्चन निकाल लेंगे। जब हम पीढ़ी के क्वेश्चन निकालेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन को हम 10 वर्ण में उत्तर देने की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, हिमालय से आपने ऑब्जेक्टिव तैयार किए, हिमालय के साथ ही में आपने 10 वर्ड भी तैयार किए, तो वहीं पे आपको मैं तैयार करा दूंगा जो परीक्षा में आता है, भारत की जलवायु में हिमालय के महत्व को समझाइए 50 वर्ड में, वही तैयार करा लेंगे 50 वर्ड में कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार की भौगोलिक घटनाओं के फलस्वरूप हुआ, समझाइए 50 वर्ड में। तो मैं आपको इस प्रकार बताते जाऊंगा वही के वही कि आपको कैसे एक ही टॉपिक को पढ़ के प्री मेन और यहां तक की इंटरव्यू तक की साथ में तैयारी करनी है। अब आप एक इमेजिन करें, मान लो आपने क्लास के साथ साथ जब टॉपिक पढ़ा तो प्री भी पढ़ लिया, मेन भी पढ़ लिया साथ में, और प्री का एग्जाम देने गए, तो जाहिर बात है कि आप क्योंकि प्री के साथ साथ मेन पढ़ के आए हैं, मतलब सब्जेक्ट की आपको डेप्थ बहुत अच्छी है, तो आप प्री का तो पेपर अच्छे से करेंगे ही, साथ साथ आपका स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा प्री में कि आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे मेंस देना है 3 महीने बाद। तो जब आप मेंस देने जाएंगे तो आपको फिर 2 महीने मिलेंगे, फिर से आपको 2 महीने मिलेंगे। अब आप ध्यान रखें, प्री के साथ मेन की तैयारी पहले से ही पूरी करके आए हैं, पूरी तैयारी मेन की करके आप आए हैं, तो इन 2 महीने में क्या करेंगे आप, मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस और अपने आंसर में अधिक से अधिक करंट डालना, अधिक से अधिक आप उसको एनालिसिस करें, अधिक से अधिक आंसर में इंटर सब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करें। ये सब कैसे डेवलप करना है, आपको जो मैंने शेड्यूल दिया है तो आप उसमें एक टॉपिक देखेंगे मेरा, चौथे या पांचवें दिन है कि आप कैसे मेंस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है। राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल कैसी हो आपकी, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा, और ये इसी 10 दिन में सिखा दूंगा, ध्यान रखना। पर आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें, मैं देख रहा हूं कि आप अभी तक लॉगिन हो रहे हैं स्टूडेंट, मैं डिनाइल प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि पहला दिन है, थोड़ी सी दिक्कत आई है आपको लॉगिन करने में, नई नया कॉन्सेप्ट है, बस मेरा कहना यह है कि ये लाइव क्लास है, आपका जो छूट जाएगा तो वो छूट जाएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है ना, जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही है, 9 से 11 सुबह और शाम को 8 से 10। तो चूंकि आप सभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपका टीचर हूं, तो बिल्कुल मेरा ये आदेश है कि शाम को 8 बजे की क्लास में पहला लेक्चर मेरा ही है, आप मुझे 8:15 बजे मिल जाए इसी लिंक पर, क्योंकि ये स्ट्रेटजी और ये सब चीजें तो सुबह हो गई, आज आज शाम से हम पढ़ाई शुरू कर देंगे सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, कुछ छूटे ना आपका, तो आप 8 बजे मिलना, मैं आपकी क्लास को शुरू करूंगा। पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूं, मान लो पहला टॉपिक हमने पढ़ा पार्लियामेंट, आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो हमने पढ़ा कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट, कि भारत की संसद को विधायिका के नाम से जानते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत के संविधान के अनुसार संसद
लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तुरंत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तुरंत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। परीक्षा में फ्री में क्वेश्चन आता है, भारत की संसद के कितने अंग हैं या भारत की संसद में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति तीन है, तीन के अलावा कोई और नाम आएगा तो वो शामिल नहीं है। आप आज पेपर उठा के देख रहे हैं, 2018 में, 2018 तक, 19 तक बल्कि 20 वर्ड में आया करता था क्वेश्चन, अब 10 वर्ड में आएगा। 20 वर्ड में क्वेश्चन आया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद के गठन को समझाइए। पूरे के पूरे 20 शब्द मैंने बोल दिए। अभी इंग्लिश में लिख रहे हैं तो द लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हिंदी में लिख रहे हैं तो भारत की संसद को, विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। हो गए 20 शब्द। आपने क्वेश्चन थ्री के लिए भी तैयार कर लिया, मेन के लिए भी तैयार कर लिया। अब यही क्वेश्चन आपका मान लो 50 वर्ड में आ गया कि 50 शब्दों में कैसे थे, मान लो आ गया क्वेश्चन कि 50 शब्दों में संसद के गठन को समझाइए, फिर शुरू कर देते हैं। मैं बोल देता हूं 50 शब्द हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, ध्यान से सुनना आप। द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑर्गन, लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट इट इज एन ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज एनी बिल कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द पार्लियामेंट्री विदाउट द प्रेसिडेंशियल एजेंट एंड एज द पार्लियामेंट इज द मेन लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इट मीन्स पार्लियामेंट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन फॉर्मुलेट द लॉ फॉर एनी सब्जेक्ट प्रोवाइडेड इन द यूनियन लिस्ट। हो गया 50 वर्ड, हिंदी में बोलता हूं। वही 10 वर्ड का एक्सपेंशन कर रहा हूं कि भारत की विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन कोई भी विधेयक अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसको अपनी अनुमति प्रदान ना कर दे। भारत में संघीय सरकार में, केंद्र सरकार के मामले में पार्लियामेंट का मुख्य काम कानून बनाना है। संविधान में वर्णित केंद्र सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का उत्तरदायित्व पार्लियामेंट का है। हो गया 50 पर। यही मान लो 200 वर्ड में आ जाए तो फिर लिख दो, इतना लिखा 50 वर्ड का इंट्रोडक्शन, फिर लिख दो लोकसभा कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज एंड इट इज द डेमोक्रेटिक ऑर्गन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव। इट कंसिस्ट ऑफ 552 सीट, इन दिस 550 विल बी इलेक्टेड एंड 2 विल बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर लिख बना दिया तुमने कि संविधान के अनुसार लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है, अर्थात यह लोकतांत्रिक सदन है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 550 इलेक्टेड होते हैं, 2 राष्ट्रपति द्वारा इलेक्टेड नॉमिनेटेड होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग। फिर बढ़ा दिया आंसर, फिर बात लिख दी राज्यसभा की, फिर लिख दिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 252, आउट ऑफ दिस 250
आउट ऑफ दिस 238 विल बी इलेक्टेड एंड 12 विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का चुनाव होता है और 12 का नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। कहां से होता है? जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। गया 200 वर्ड का, लास्ट में 10-15 वर्ड का कंक्लूजन लिखेंगे। कितनी देर बोला पार्लियामेंट के बारे में? टोटल मिलाकर मैं 7 मिनट बोला, मेरे में घड़ी चल रही है सामने। इस 7 मिनट में आपने फ्री से कम 10 क्वेश्चन तैयार किए। पहला, संसद के कितने ऑर्गन होते हैं? राष्ट्रपति संसद का एक भाग है। लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। केंद्र सूची के मामलों में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। ये सब फ्री में क्वेश्चन तैयार किए आपने। इन्हीं क्वेश्चन को आप धीरे धीरे लाइन में लिखेंगे, 10 वर्ड के क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं का मैंने 50 वर्ड का आंसर बता दिया आपको, इन्हीं का मैंने आपको 200 वर्ड का आंसर बता दिया। तो इस 7 मिनट में मैंने आपको प्री की तैयारी, मेन की 50 वर्ड की तैयारी, 10 वर्ड की तैयारी, 200 वर्ड की तैयारी करी। तो चूंकि सैंपल था, जब मैं ऑर्गेनाइज क्लास में आज शाम से इन सब चीजों को करेंगे, तो ये तो आपको एक एहसास कराने के लिए सैंपल था, तो मैंने बहुत फटाफट सब बोल दिया। जब हम पढ़ेंगे तो माइक्रोस्कोपिक पढ़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आपसे आंसर लिखवाएंगे। ध्यान रखना, इस क्लास में मैं आंसर भी लिखवाऊंगा आपसे, तो अपने व्हाट्सएप में मंगाऊंगा, उसको चेक करके आपको वापस दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल क्लास मतलब क्लास। लेक्चर लगेगा, पीडीएफ में आपको नोट देंगे, रोज के रोज। ऐसा नहीं कि कुछ भी घूम रहा है व्हाट्सएप पे, आपको 200 पेज की कॉपी पूरी उठाकर सेंड कर दी, अब आप परेशान हो रहे हो किस्म का। नहीं, यदि आज मैंने पार्लियामेंट पढ़ाई है तो आपके व्हाट्सएप पे पार्लियामेंट के नोट जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश है। उसी पार्लियामेंट से हम 10 वर्ड के क्वेश्चन भेजेंगे, उसी पार्लियामेंट से हम 50 वर्ड के क्वेश्चन भेजेंगे। आप उनको लिख के हमें भेजोगे, हम चेक करके आपको बताएंगे। साइक्लिक प्रोसेस, पूरे कम्युनिकेशन होगा। मैं भी पढ़ाऊंगा, आप भी पूछोगे। तो सबसे पहला, चूंकि आप सभी लोग क्लास अटेंड करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन देने पड़ेंगे, व्हाट्सएप पे आपको स्टडी मटेरियल देना पड़ेगा। तो पहला रिक्वेस्ट यदि आपसे है कि आप अपना नाम और नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें, जिससे मैं आपका एक ग्रुप बना पाऊं, जिससे आज से ही उसमें आज जो पढ़ाऊंगा शाम को उसका मैं स्टडी मटेरियल दे पाऊं आपको, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे पाऊं। और ध्यान रखना, हर सैटरडे को मोबाइल एप्लीकेशन पर एक टेस्ट भी होगा जो हमने हफ्ता भर पढ़ाया। तो इन सब के लिए मुझे आपके लॉग इन आईडी पासवर्ड भी जनरेट करवाने पड़ेंगे। पहले तो मेरा नंबर नोट कर ले, 7898697070, वीरेंद्र शर्मा कोठारी इंदौर, 7898697070, ये मेरा नंबर हो गया। आपको इस नंबर पे अपना नाम और फोन नंबर व्हाट्सएप कर देना है, मैं आपका एक तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, आज से ही उस पर मैटर आना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा उससे ये होगा कि आज शाम से जब आप क्लास अटेंड करोगे तो उसको अटेंड करने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपन ग्रुप से आसानी से उसको डिस्कस कर पाएंगे। ये मैंने अपना आपको बताया। अब एक एक करके आपको पूछता हूं, आपको जो डाउट है मुझसे पूछो, जिससे पूछू केवल वही माइक अपना ऑन करे। अंकित मोरे, अंकित
अंकित मोरे। अंकित हेलो। हाँ बेटा, समझ में आई कुछ चीजें? जी, कहाँ से हो बेटे आप? उज्जैन से सर, कहाँ उज्जैन सिटी। से? उज्जैन। उज्जैन से हो? बिल्कुल। जी तो पहली बार तैयारी कर रहे हैं पीएचसी जी की ना? बस मेरा कहना सर, वही है कि ये सुबह 9 बजे तो उठ के आप जिस डिसिप्लिन आ रहे हैं के साथ आए क्लास में, बस रेस। इसी डिसिप्लिन को फॉलो करने पर ना अपने आप तैयारी हो जाएगी, है ना? शाम को भी क्लास रहेगी, है ना? तो अपना नाम लक्ष्मी को व्हाट्सएप करोगे तो मैं सब ग्रुप पे बताऊंगा, है ना? भाग लक्ष्मी। जी हेलो। सर, हाँ जी बेटे, बताए आप कहाँ से हैं? नमस्ते। कहाँ से बेटा? हेलो। जबलपुर से जी हो? आप भी पहली बार तैयारी कर रहे हो बेटा पीएचसी की ना? तो अभी जो मैंने कहा है नाम और नंबर भेजने के लिए, अभी भेजना आपने, मैं सबसे पहले आपको सिलेबस भेजूंगा इसमें पीएचसी का, ठीक है? सर। पीएचसी का सिलेबस क्या है, पिछली परीक्षाओं का कट ऑफ क्या है और जी सर। किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, जिससे हम शाम की क्लास अटेंड करें उसके पहले ही हमें सब मालूम, ठीक है? सर मेरा हिंदी मीडियम है सर। कोई भी मीडियम में बेटा, आपने अभी देख लिया ना, मैं दोनों में चेक करा देता हूँ, दोनों में बता देता हूँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी इसको पहले कोई तैयारी की नहीं, अभी स्टार्ट करनी है तैयारी। बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल जी जीरो सर। से ही स्टार्ट करेंगे हम, है सर नंबर हम नोट नहीं कर पाए सर, मिस हो गए नंबर 20 में। एक बार सर रिपीट कर देते ना? हैं। अभी रिपीट करूंगा मैं, और बच्चों से बात कर लूंगी, है ना? जी सर। जी सर। थैंक यू सर। प्रतिभा पांडे, प्रतिभा पांडे, चलिए पहले तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट में मेरे पास मैसेज आएगा है कि सिर्फ 5 मिनट क्लास का बचा है, टाइम इसमें फिक्स होता है, तो जो बच्चे बचे हैं उनसे शाम को कम्युनिकेशन कर लूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज की आपको दोनों लेक्चर में एटलीस्ट एमपीपीएससी से आपका इंट्रोडक्शन हो गया, शाम से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर से नंबर बोल रहा हूँ अपना, जिसमें आपको अभी तुरंत अपना नाम नंबर और लिख सको तो सिटी भी लिख देना, हालांकि सिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं, है ना? अपना नाम नंबर आप तुरंत भेजें, जिससे मैं आज से ही आपको फॉलोअप ले पाऊँ, सिलेबस स्टडी मटेरियल जो भी मुझे भेजना है 1 घंटे से ही आपको मिलने लगेगा। मेरा नंबर है 7898697070। फिर सुनो, 7898697070। क्लियर है सबको नंबर? यदि इसमें नहीं भेज पा रहे हो तो आप लोग को मैंने ग्रुप को सुबह सुबह बुलवाया है, आप उसमें अपना नंबर भेज दीजिए, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा। सबसे अच्छा सीधा मुझे भेजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको आज के मटेरियल भेजता हूँ। शाम को 8 बजे पहला लेक्चर मेरा ही है, ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगा मैं, 8 बजे मिलेंगे अपन शाम को, ठीक है? सभी खुश रहे, आनंद रहे, मस्त होकर पढ़े, कोई बर्डन लेने की जरूरत आपको नहीं है। धन्यवाद। जिंदा जाइए।